बिहार में जातिगत गणना सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा। बिहार सरकार का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सभी जातियों के विकास के लिए यहां पर काम किया जाएगा और वहीं झारखंड में भी जातीय जनगणना को लेकर हर सियासी दल की अपनी अपनी राय है। दरअसल झारखंड में भी जातिगत जनगणना की मांग होती रही है। बिहार सरकार द्वारा रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य में इसकी मांग और भी अब तेज हो गई है। जहां सत्तारूढ़ महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन में आजसू जातीय गणना के पक्ष में है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का स्टैंड इसे लेकर क्लियर नहीं है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी, झारखंड में भी गणना की डिमांड भारी, कांग्रेस और आजसू का सर्वे को खुला समर्थन, जेएमएम और बीजेपी का स्टैंड नहीं हो रहा क्लियर। बिहार में जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट के नतीजे सभी के सामने आ चुके हैं। बिहार में इस रिपोर्ट के आंकड़े जारी होते ही झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जहां बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे लेकर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं झारखंड में महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी और एनडीए के सहयोगी दल आजसू पहले से ही जातिगत सर्वे कराने की पैरवी करते रहे हैं। आजसू ने तो अपने महाधिवेशन में इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया था, वहीं कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने के पक्ष में रही है। ये मुद्दा है, मैंने इसीलिए कहा था कि जो दल जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, क्यों ऐसा कहा जाता है? इंडिया दल जिन्होंने बनाया, जो मैंने कहा थर्ड बोलते, मैं तो नाम भी नहीं लेता, जिन्होंने यूपीए पार्ट 1, 2, 3 बनाया, थ्री बनाने वाले राज्य भर में मैं हुंकार देख रहा हूँ कि मैं आऊँगा, जातीय जनगणना कराऊंगा। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, इस राज्य में आप आए हुए हैं, आपका पदार्पण 4 साल पहले हो चुका, आप आइए प्राथमिकता के साथ घोषणा करिए और इसकी शुरुआत कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल हमें ये लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना के बाद झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये कांग्रेस पार्टी का एक डिमांड भी है। आदरणीय हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी और आदरणीय राहुल गांधी जी भी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के कहा है कि जातीय जनगणना पूरे देशव्यापी होना चाहिए और उसके तहत झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। वैसे झारखंड में जातीय जनगणना की मांग कोई नई नहीं है, पक्ष विपक्ष की ओर से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग उठती रही है। हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस और आरजेडी का भी इसे लेकर दबाव रहा है। ऐसे में बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की बात कही है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब जेएमएम जहां वेट एंड वॉच के मूड में है, तो वहीं बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। देखिए, और किसी दल की मैं क्या बात करूं, आजसू क्या बोलता है, जिसकी कथनी और करनी में कोई समानता नहीं होती। लेकिन जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, हमारे दल के अंदर भी मांग होती है, हो रही है, परंतु इस पर निर्णय तो हमारी जो पार्टी का एक समुचित प्लेटफॉर्म है, केंद्रीय समिति या कार्यकारिणी समिति और हमारे जो सुप्रीमो है, वो तय करेंगे, क्योंकि एक बहुत अहम मसला है। तो नगर निकाय का चुनाव भी कराने जा रहे थे बिना ओबीसी को आरक्षण दिए, वो सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद इस चुनाव को स्थगित किया गया, लेकिन इनका ओबीसी के प्रति क्या रवैया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनको जो ट्रिपल टेस्ट कराना था उसके लिए इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से, अध्यक्ष से और सदस्यों से कराने की जो अनुशंसा की थी सरकार ने, आज तक पिछड़ा वर्ग में अध्यक्ष भी नहीं है। तो ये तो ओबीसी विरोधी लोग हैं ना, तो इनके लिए किसी चीज का कोई मायने नहीं है। जातीय जनगणना के पीछे सियासी दल जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का तर्क देते रहे हैं। सियासी दलों के मुताबिक जातीय जनगणना से योजनाएं बनाने में आसानी होगी, विकास जमीन स्तर तक पहुंचेगा, आरक्षण का लाभ देने में सहूलियत होगी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय करने में सहूलियत होगी। ऐसे में कई दलों के नेता जातिगत जनगणना की मांग कर चुके हैं। झारखंड सरकार भी इसे लेकर सकारात्मक बात करती रही है, लेकिन जरूरत ठोस पहल की है, जो अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में न्यायिक सेवा